और राम राम जी, एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे आप सभी। ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है भाई हरियाणा से। हरियाणा के 5 जिलों से आई है बहुत बुरी खबर। कौन कौन से जिले हैं, क्या कुछ बुरी खबर आई हुई है हरियाणा के इन 5 जिलों से, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखिएगा। लेके चलता हूँ आपको न्यूज की तरफ। रिक्वेस्ट करूंगा लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दे। एजुकेशन नॉलेज टीवी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा में 496 केस एक दिन में, सबसे ज्यादा 60 पॉजिटिव मिले। इनमें सोनीपत में 24, अंबाला में 20 कोरोना से प्रदेश में 7वीं मौत हो चुकी है भाई। बहुत बुरी हालत हो चुकी है अब हरियाणा की। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंबाला में 20 से ज़्यादा बताई जा रही है संख्या। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों के क्वार्टर बना रहे थे मजदूर। झज्जर में 11, पानीपत में 3, करनाल में 2, गुरुग्राम और नूह में एक एक नया केस पाया गया है। पानीपत हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को 60 मरीज सामने आए हैं। राज्य में अब तक कुल मरीजों की संख्या 496 पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना की वजह से सोमवार को 7वीं मौत गई होगी है। फरीदाबाद में एक और कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया। सोमवार को सोनीपत और अम्बाड़ा में सबसे ज़्यादा मरीज पाए गए थे। वहीं सोनीपत में एक साथ 24 मरीज मिले हैं। वहीं अम्बाड़ा में 20 मरीज बताए जा रहे हैं। अम्बाड़ा में मिले मरीज डॉक्टरों के क्वार्टर्स निर्माण का एक कर रहे थे। झज्जर में 11 मरीज मिले हैं। इसमें से 9 का बहादुरगढ़ मंडी से कनेक्शन है। हरियाणा में जो कि कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा अब 7 पार हो चुका है। हरियाणा में अब तक संक्रमित 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पहली मौत 2 अप्रैल को अम्बाड़ा में 67 वर्षीय बुजुर्ग की हुई थी, जिन्होंने चंडीगढ़ पीजीआई में दम तोड़ा था। उसके बाद दूसरी मौत 3 अप्रैल को हुई थी, जब रोहतक की कोरोना पॉजिटिव महिला ने दिल्ली में दम तोड़ा था। तीसरी मौत 5 अप्रैल को करनाल में बुजुर्ग की हुई थी, जिन्होंने मौत चंडीगढ़ पीजीआई में हुई थी। चौथी मौत 28 अप्रैल को फरीदाबाद में हुई थी। यहाँ 68 वर्षीय बुजुर्ग ने दम तोड़ा था भाई, ठीक है। वहीं पाँचवीं मौत 2 मई को हुई थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं 7वीं मौत भी हो चुकी है। हरियाणा में 496 पहुंचा है अब मरीजों का आंकड़ा। सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में आंकड़ा है 73, गुरुग्राम में 73, नूह में 59, झज्जर में 53, सोनीपत में 68, पलवल में 36, पानीपत में 27, अम्बाड़ा में 24, पंचकुला में 18, जींद में 10, करनाल में 8, यमुनानगर में, सिरसा में 6-6 मरीज, फतेहाबाद में 5, हिसार और रोहतक में 4-4, भिवानी में 3, कुरुक्षेत्र और कैथल में 2-2 मरीज, चरखी दादरी में 1 पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा मेधांता अस्पताल गुरुग्राम में 14 इटली के नागरिकों को भी भर्ती करवाया गया था, जिनमें हरियाणा ने अपनी सूची में जोड़ा है। प्रदेश में अब तक 251 मरीज ठीक हो गए हैं। नूह में 53, फरीदाबाद में 42, गुरुग्राम में 44, पलवल में 32, पंचकुला में 17, अम्बाड़ा में 11, करनाल और पानीपत में 5-5, सिरसा और सोनीपत में 4-4, यमुनानगर और हिसार में 3-3, कैथल कुरुक्षेत्र रोहतक भिवानी में 2-2, चरखी दादरी फतेहाबाद 1-1 मरीज ठीक हुए हैं। तो भाई इन मरीज जो ये जिले हैं, यहाँ पर बड़ी इस संख्या में विस्फोट हुआ है। तो अगर आप किस जिले से बिलोंग करते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।